नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धौलाधार अपडेट्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि HPU शिमला की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट आई है और बिग अपडेट भी है। MED और BED एग्जाम जो होंगे आपके, तो इसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि आपके BED के जो और MED के एग्जाम जो है कब हो सकते हैं। तो पूरी हम डिटेल में जानकारी जो है आपको उपलब्ध करवाएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो पर अंत तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर हम कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेके आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल द्वारा मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। BED MED के 27 जुलाई 2020 तक भरे जाएंगे परीक्षा फार्म। पूरी जानकारी डिटेल में बताते हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने BED और MED की परीक्षा के लिए फार्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। BED और MED के दूसरे और चौथे सेमेस्टर और इग्डोल के BED कोर्स के पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षाओं के लिए 27 जुलाई 2020 तक परीक्षा फार्म भरे जाने हैं। इसके बाद लेट फीस देनी होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन अगस्त में परीक्षा करवाने की तैयारी कर रहा है। तो अगस्त 2020 में जो है परीक्षाएं करवाने की तैयारी जो है HPU शिमला कर रहा है। तो अभी फिक्स डेट जो है इन्होंने डिसाइड नहीं करी गई है कि कब जो है परीक्षाएं होगी। तो इन्होंने अप्रोक्सीमेट जो है मंथ बता दिया है कि अगस्त में जो है परीक्षाएं ली जाएंगी। आगे बताते हैं पूरी जानकारी। ऑनलाइन और ऑफलाइन भरे जाने वाले इन परीक्षा फॉर्म को प्रशिक्षु विश्वविद्यालय के एग्जाम पोर्टल या वेबसाइट पर दिए एग्जाम पोर्टल के दिए लिंक के माध्यम से भर सकेंगे। ऑफलाइन फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। COVID-19 के खतरे को देखते हुए दोनों कोर्स की परीक्षा देने वाले प्रशिक्षुओं को अपने घर से नजदीक के परीक्षा केंद्र में अपीयर होने की सुविधा विश्वविद्यालय दे रहा है। अपने कॉलेज के अलावा अन्य कॉलेज में बने सेंटर चुनने की सूचना छात्र को अपने कॉलेज को देनी अनिवार्य की गई है। तो जो आप जो है अपने कॉलेज में जो एग्जाम देते थे हर बार की तरह, तो इस बार जो है अगर आपने किसी अपने नजदीक के सेंटर में देने हैं तो आपको जो है अपने कॉलेज को जो है बताना होगा, सूचना उनको देनी होगी कि हम इस सेंटर में जो है अपने एग्जाम दे रहे हैं। इसके आधार पर ही छात्र के परीक्षा फॉर्म का वेरिफिकेशन होगा। 27 जुलाई 2020 तक भरे जाने वाले परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय में पात्रता को तय न्यूनतम योग्यता के प्रमाण पत्रों की प्रति के साथ जमा करवाने होंगे। तो ये थी HPU शिमला की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखें ताकि आपको आगे आने वाली हिमाचल प्रदेश की हर लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन हमारे चैनल द्वारा मिल सके। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको पता लग सके कि अगस्त 2020 में एग्जाम होने की संभावना है। अगर कोरोना वायरस अगर ज्यादा फैलेगा तो ये आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, सितंबर में भी एग्जाम हो सकते हैं। बट सितंबर में इन्होंने बोला है कि नया सेशन जो है ये स्टार्ट करेंगे, तो अगस्त में जो है चांसेस हैं एग्जाम के होने के। तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।